नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी सेकंड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। देखो, हमने बात की थी केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की। तो हमने पिछली क्लासेज में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में बताया था, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, आज हम उसी क्रम में आगे चलेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास में मैं क्या क्या बात करने वाला हूं। आज की क्लास में मैं कार्बोनिल समूह यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन पर जल का योग करवाऊंगा। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रिया किससे करवाऊंगा? जल से करवाऊंगा। उसके बाद मैं एल्कोहल से करवाऊंगा, एल्कोहल का योग और तीसरा मैं क्या लूंगा, तीसरा मैं एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेने वाला हूं, वो है बेंजोइन कंडेंसेशन, बेंजोइन संघनन। ठीक है, तो आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं कि जो कार्बोनिल यौगिक है वो जल के साथ किस प्रकार क्रिया करते हैं, वाटर के साथ किस प्रकार रिएक्ट करते हैं, एल्कोहल के साथ किस प्रकार रिएक्ट करते हैं, और जो बेंजोइन कंडेंसेशन है वो क्या होता है। आज हमको इन तीन चीजों के बारे में बात करनी है। क्लियर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, जल का योग है। क्या है? जल का योग है। ठीक है बच्चों, अब जल का योग कैसे कराते हैं, एक मिनट देखो। जल का योग करवाना है हमको, हमने यहां पे कोई भी कार्बोनिल ग्रुप ले लिया। ठीक है, कोई भी कार्बोनिल ग्रुप ले लिया और इसकी क्रिया किससे करवा रहे हैं हम, इसकी क्रिया किससे करवा रहे हैं, HOH, या सीधा भी लिख सकते हो आप जल से करवा रहे हैं। ठीक है, किससे करवा रहे हैं, जल से क्रिया करवाते हैं। अब देखो जल से क्रिया करवाते हैं तो क्या होता है, मैं लिख भी देता हूं, कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिक जल के साथ क्रिया करके, जल के साथ क्रिया करके, क्रिया करके जैम डायोल बनाते हैं, जैम डायोल बनाते हैं। ठीक है, जब कार्बोनिल यौगिकों की जल के साथ क्रिया कराई जाती है, कार्बोनिल कंपाउंड्स रिएक्ट विद वॉटर, देन वी गेट जैम डायोल। समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब हम कार्बोनिल यौगिकों की जल के साथ क्रिया करवाते हैं तो जैम डायोल बनते हैं, लेकिन ये अस्थाई होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, अस्थाई होते हैं। क्लियर है, अब आगे की बात करते हैं। अब देखो ये हमारे पास क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, ये H2O है, H2O के साथ क्रिया कराएंगे तो हमको जैम डायल मिलेगा। जैम डायल का मतलब क्या है, यहां समझने की कोशिश कीजिएगा, जैम डायल का मतलब क्या है कि हमारे पास कोई कार्बन है, कार्बन से हमारे पास क्या जुड़े हुए हैं, कार्बन से दो OH ग्रुप जुड़े हुए हैं, दो OH ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये अनस्टेबल होते हैं, ये क्या होते हैं, ये अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि एक कार्बन पे दो OH का रहना संभव नहीं है। ठीक है, क्लियर है, तो मैं इसको मिटा देता हूं। लेकिन हां, अगर कुछ ऐसा हो, कैसा हो, अगर कुछ ऐसा हो जैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ये कार्बोनिल समूह है, ठीक है, ये कार्बोनिल समूह है, यहां पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसकी एक वैलेंसी से क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, और दूसरी वैलेंसी से, दूसरी वैलेंसी से कोई कार्बन जुड़ा हुआ है और उससे क्या जुड़े हुए हैं, क्लोरीन समूह जुड़े हुए हैं। ठीक है, मैं इसको नीचे भी बना देता हूं, जैसे मान लीजिए कार्बन है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है ये वाला, ठीक है, और इस कार्बन के साथ ऐसा कोई कार्बन जुड़ा हुआ है जिससे कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह जुड़ा हुआ हो। मैं ऊपर से मिटा देता हूं, नीचे देखिए,
देखो जब हम कार्बोनिल यौगिकों की जल के साथ क्रिया करवाते हैं तो हमारे पास जैम डायल बनते हैं। जैम डायल का मतलब है दो OH ग्रुप का पाया जाना, दो अल्कोहल ग्रुप का पाया जाना, क्लियर है। लेकिन यह अस्थायी होते हैं, तो ये क्रिया करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम जो ये CHO ग्रुप है इससे जो कार्बन जुड़ा हुआ है ना, इससे तीन इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले समूह जुड़े हुए हों। यहां पे हाइड्रोजन की जगह क्या जुड़ा हुआ हो, क्लोरीन जुड़ा हुआ हो, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरल बोलते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, इसको क्या बोलते हैं, क्लोरल बोलते हैं। इसकी अभिक्रिया हम किससे करवाते हैं, H2O से करवाते हैं, H2O से करवाते हैं। ठीक है, तो यहां पे बनेगा क्या, जरा चेक कीजिए, कार्बन से ये तीन क्लोरीन जुड़े हुए हैं, उसके बाद इस कार्बन से एक दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ है। देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, अगर मान लीजिए ये बॉन्ड टूट जाए तो इलेक्ट्रॉन किस पे आ जाएंगे, इस पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बॉन्ड टूट गया है ना, और यहाँ पे एक एच आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे H2O है ना, H2O है, यानी कि HOH इस तरीके से है। ठीक है, अब देखो H का जो प्लस वाला भाग है वो तो कहाँ जुड़ जाएगा, H से जुड़ जाएगा। ठीक है, चेक करना, जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड टूटा तो डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, ऑक्सीजन के ऊपर गए, जिससे यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, चेक किया, अब देखो यहाँ पे प्लस आया, यहाँ माइनस आया, अब माइनस वाले से तो प्लस का हाइड्रोजन जुड़ गया, और प्लस वाले से क्या जुड़ेगा, माइनस का OH ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो इस प्रकार हमको क्या मिलेगा, क्लोरल हाइड्रेट मिलेगा। मैंने आपको बिल्कुल सरल सी स्ट्रक्चर बताई है, क्लोरल हाइड्रेट मिलेगा यहाँ पे, क्लियर है। वैसे OH ग्रुप एक ही कार्बन पे नहीं होते हैं, ध्यान रखना, लेकिन ये हाइड्रेट के रूप में होगा, क्लियर है। लेकिन ये ऐसा कब हो रहा है, ध्यान रखना, मैंने आपको बता दिया, ऐसा तभी होगा जब हमारे पास कार्बन से इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले समूह जुड़े हुए हों। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले समूह जुड़े हुए हों, ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है, क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, जल के साथ क्रिया हुई, किसके साथ क्रिया हुई, जल के साथ क्रिया हुई। अब हमको किसके साथ क्रिया करवानी है, एल्कोहोलो के साथ क्रिया करवानी है, किसके साथ, एल्कोहोलो के साथ क्रिया करवानी है, एल्कोहोलो का योग। ठीक है, एल्कोहोलो का योग, एल्कोहोलो का योग करवाना है किस पे, एल्डिहाइड और कीटोन पे। अब देखो आप यहां देखिए, मैंने क्या किया, मैंने कोई एल्डिहाइड ले लिया, ठीक है, कीटोन भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, एल्डिहाइड ले लिया मैंने, इसकी अभिक्रिया रिएक्शन मैंने किससे करवाई, एल्कोहल से करवाई। देखो यहाँ पे थ्योरी लिखने में कुछ नहीं जा रहा, थ्योरी सीधी सीधी एक लाइन लिखनी पड़ेगी, वो मैं आपको बता दूंगा। मैंने एल्डिहाइड लिया, एल्डिहाइड की अभिक्रिया किससे करवाई, एल्कोहल से करवा दी। अब देखो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, जरा चेक कीजिए, अब इस वाले बॉन्ड को अगर हम तोड़ेंगे तो माइनस चार्ज किस पे आ जाएगा, इस पे आ जाएगा, कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। आर और OH ग्रुप में से आर क्या है, प्लस का है, OH क्या है, माइनस का है, आर क्या है, प्लस का है, और OH क्या है, माइनस का है। अब सीधी सिंपल सी बात है, आर सी एच मैंने यहां लिख दिया, ये वाला बॉन्ड टूट गया था ऑक्सीजन, ठीक है, अब माइनस के साथ क्या जुड़ जाएगा, प्लस वाला भाग जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ओ आर। ठीक है, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया था, तो प्लस वाले से कौन सा जुड़ेगा, माइनस वाला, तो हम इसको क्या बोल देंगे, ये OH जुड़ गया। ठीक है, जरा चेक कीजिए, ये ऑक्सीजन के साथ H जुड़ गया और कार्बन के साथ क्या जुड़ गया, R जुड़ गया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हेमी एसिटेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेमी एसिटेल बोलते हैं, क्लियर है, क्लियर है, ये हेमी एसिटेल है। जब हमारे पास एक ओ आर ग्रुप इस तरीके से हो ना, तो इसको हेमी एसिटेल बोलते हैं।
अब देखो हम इसकी रिएक्शन एक बार और किससे करवाते हैं, अल्कोहल से करवाते हैं। किससे करवाते हैं? अल्कोहल से करवाते हैं। तो अब आप यहां देखिए क्या होगा, सिंपल सी बात है, ये प्लस वाला भाग है, ये माइनस वाला भाग है। तो आप ये देखिए कि यहां पे ये जो OH है ना, वो इस वाले हाइड्रोजन के साथ क्या है, बाहर निकल जाएगा। चेक कर लीजिए अच्छी तरीके से, इस वाले के साथ बाहर निकल जाएगा और हमको क्या मिलेगा, RCOR H, ठीक है, और OR। ये हेमी एसिटेल है क्योंकि इसमें एक OR ग्रुप है, हेमी का मतलब आधा है ना, और ये पूरा का पूरा एसिटेल है, ठीक है। ये क्या है, पूरा का पूरा एसिटेल है। लैंग्वेज की इसमें कोई जरूरत नहीं है इतनी, लैंग्वेज अगर आप लिखना चाहो तो इस प्रकार लिख सकते हो कि अगर एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रिया हम अल्कोहल से करवाते हैं तो पहले हमें हेमी एसिटेल प्राप्त होता है, उसके बाद हमें एसिटेल प्राप्त होता है। क्लियर है, इतनी सी बात आपको यहाँ पे समझानी है। तो ये हमारे पास किसका योग हो गया, अल्कोहलों का योग हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब देखो मैं आपको एक आज मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन करवाने जा रहा हूँ जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है बहुत बार, जिसका नाम हमारे पास क्या है, बेंजोइन कंडेंसेशन। कंडेंसेशन या संघनन, या इसको बोलते हैं संघनन। ठीक है, संघनन का मतलब क्या है, एक जैसे मॉलिक्यूल है, एक जैसे मॉलिक्यूल है वो आपस में मिक्स हो रहे हैं और कोई अणु बना रहे हैं, मॉलिक्यूल बना रहे हैं। अब देखो होता क्या है, नाम में क्या आ रहा है, बेंज, बेंजीन जैसा कुछ आ रहा है, तो बेंजीन हमारे पास क्या होता है, एरोमेटिक होता है। तो यानी कि आप ये लगा लीजिए कि ये जो रिएक्शन है वो किसके लिए है, एरोमेटिक एल्डिहाइडों के लिए है, एरोमेटिक एल्डिहाइडों में ये काम में आती है। तो मैं यहां लिख भी देता हूं, यह अभिक्रिया एरोमेटिक एरोमेटिक एल्डिहाइडों के लिए है, एल्डिहाइडों के लिए है। ठीक है, यह अभिक्रिया किसके लिए है, एरोमेटिक एल्डिहाइडों के लिए है। क्लियर है। अब देखो आगे यह अभिक्रिया होती कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। मैंने यहां पे क्या ले लिया, C6H5, इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, C6H5 C डबल बॉन्ड O H, ठीक है, प्लस मैंने एक और मॉलिक्यूल ऐसा ले लिया, CH2, मैं इसको इस तरीके से ले लेता हूं। ठीक है, यह है अभिक्रिया एरोमेटिक एल्डिहाइडों के लिए है। अब अगर मैं क्या करूं, अगर मैं यहां पे ले लूं KCN ले लूं और इसको गर्म करूं, ठीक है, और इसको गर्म करूं, ठीक है, और एक चीज और, इसको किसी अल्कोहलिक विलयन में लूं, किस में लूं, किसी अल्कोहलिक विलयन में लूं। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने ये बेंजल्डिहाइड ले लिया, कहाँ ले लिया, किसी अल्कोहलिक विलयन में ले लिया, किसके साथ ले लिया, पोटेशियम साइनाइड के साथ ले लिया। ठीक है, आप ध्यान से देखना, जरा चेक कीजिएगा, तो हमारे पास बनता क्या है, हमारे पास बनता क्या है, यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनता है, C6H5 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, C C6H5 OH और H। क्लियर है, तो हमारे पास कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बेंजोइन, क्या बोलते हैं, बेंजोइन बोलते हैं। और जब हमारे पास इसका कंडेंसेशन होता है, बेंजोइन बेंजल्डिहाइड से बनता है, इसको बेंजोइन कंडेंसेशन बोलते हैं। एक बार फिर से देखिए, मैं इसकी क्रियाविधि बताने वाला हूं, मैकेनिज्म बताने वाला हूं, आप यहां देखिए, जरा चेक कीजिए, हमारे पास ये बेंजल्डिहाइड के क्या है, दो मॉलिक्यूल है, मैंने इनको अल्कोहलिक विलयन में ले लिया, किसके साथ ले लिया, केसीएन के साथ ले लिया, इसको थोड़ी सी हीट दे दी,
हीट देने के बाद आप ये देखिए C6H5C डबल बॉन्ड O, ये इस तरीके से है, क्लियर है। उसके बाद देखो ये जो कार्बन है वो किससे जुड़ गया, C, ठीक है, C डबल बॉन्ड O था यहाँ पे, COH हो गया, ठीक है। आप इसको चेक कीजिए दोनों को, और इसको चेक कीजिए दोनों को, है ना, ये पूरे को चेक कीजिए। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, आप सिर्फ ये देखोगे कि यहाँ पे जो H है ना, ये जो H है वो हटकर कहाँ जुड़ गया, इस वाले ऑक्सीजन पे जुड़ गया। यहाँ जो H था ना इस कार्बन पे, वो कहाँ जुड़ गया, इस पे जुड़ गया, ठीक है। ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, दो मॉलिक्यूल आपस में मिल गए हैं। अब ये किस प्रकार होता है वो हमको पढ़ना है। तो यहां पे हमको क्या देखनी है, मैकेनिज्म देखनी है, क्रियाविधि देखनी है, तभी हमको आगे की बात समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। देखो सबसे पहले हमने क्या लिया, केसीएन लिया, क्या लिया, केसीएन लिया। केसीएन जब एल्कोहलिक विलयन में लेते हैं तो ये दो भागों में टूट गया, एक तो के प्लस और एक सीएन माइनस, ठीक है। केसीएन दो भागों में टूट गया, के प्लस और सीएन माइनस। अब देखो यहां पे हमने एक मॉलिक्यूल ले लिया C6H5C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, मैंने दो में से एक मॉलिक्यूल ले रहा हूं, पहले बेंजल्डिहाइड है, मैंने इसकी अभिक्रिया किससे करवाई, CN माइनस से करवाई, किससे करवाई, CN माइनस से करवाई। अब आप जरा चेक कीजिएगा, जरा ध्यान से चेक कीजिएगा, अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड टूट जाए, इलेक्ट्रॉन किस पे आ जाएंगे, ऑक्सीजन पे आ जाएंगे, किस पे आ जाएंगे बच्चा, ऑक्सीजन पे आ जाएंगे, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आ जाएंगे, C6H5CH ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। और कार्बन पे क्या आ जाएगा, कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस वाले से कौन जुड़ जाएगा, माइनस वाला जुड़ जाएगा, तो मैं यहां क्या जोड़ देता हूं, साइनाइड जोड़ देता हूं, क्या जोड़ देता हूं बच्चों, साइनाइड जोड़ देता हूं, ठीक है, ये मैंने साइनाइड जोड़ दिया, क्लियर है। अब देखो ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, माइनस चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर है माइनस चार्ज है, अगर इसे अपना माइनस चार्ज दूर करना है तो इसको कहीं ना कहीं से कोई पॉजिटिव चार्ज वाला चाहिए। तो यहां होता क्या है, ये जो हाइड्रोजन ना, ये वाला हाइड्रोजन है वो यहां से यहां शिफ्ट हो जाता है, अगर इसमें रेजोनेंस हो तो रेजोनेंस के कारण ये देखो COH और CN इस तरीके से बन जाता है। कार्बन पे से हाइड्रोजन हटकर कहां जुड़ जाता है, ऑक्सीजन पे जुड़ जाता है, और कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा, ठीक है, कार्बन के ऊपर यहां पे चार्ज आ जाएगा, क्लियर है। सॉरी, देखो यहां पे देखो कार्बन और हाइड्रोजन, एक बार थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहां पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड टूटा, डबल बॉन्ड टूटने के बाद साइनाइड समूह से जुड़ गया, ठीक है। अब आप यहां देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो अगर ब्रेक हो जाए, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, कार्बन के पास जाएंगे, किधर जाएंगे, कार्बन के पास जाएंगे, तो कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। थोड़ी सी मिस्टेक को सही करना चाहूंगा मैं, है ना, कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहां OH हो जाएगा। अब इसी की रिएक्शन हमको किससे करवानी है, किसी और मॉलिक्यूल से करवानी है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने दूसरा बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है, दूसरा बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूल मैंने यहां पे ले लिया, और प्लस में ये तो है ही हमारे पास C6H5 और C-, ठीक है, और OHCN। मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूं, इस तरीके से लिख देता हूं, कोई दिक्कत थोड़ी है ना, इस तरीके से लिख देता हूं, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैंने इस तरीके से लिख दिया, क्लियर है, यहां पे मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब देखो आप यहां पे देखिए, क्या देखिए, अब देखो यहां मैं अगर आगे रिएक्शन करवाऊं, ध्यान से देखना, ये C6H5 है, फिर इससे कार्बन जुड़ा हुआ है, देखो अब देखो ये कार्बन और ऑक्सीजन, अगर इसको इसके साथ जुड़ना है तो ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा,
ठीक है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन किस पे जाएंगे, ऑक्सीजन पे जाएंगे, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा H, ठीक है। और ये कार्बन वाला पूरा भाग है ना, ये इसके साथ जुड़ जाएगा C6H5, ठीक है, एक तरफ साइनाइड और एक तरफ OH, ठीक है, एक तरफ साइनाइड और एक तरफ क्या हो गया, OH हो गया। अब देखो यहां पे ध्यान देना जरा, यहां पे ध्यान देना, क्या ध्यान देंगे, देखो ये कार्बन है, कार्बन के ऊपर दो ग्रुप जुड़े हुए हैं OH और CN, यानी कि दो फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं OH और CN जो ज्यादा देर तक नहीं रह पाएंगे, जो ज्यादा देर तक नहीं रह पाएंगे। तो होता क्या है, ये जो एक हाइड्रोजन है वो कहां शिफ्ट हो जाता है, ये एक हाइड्रोजन है वो कहां शिफ्ट हो जाता है बच्चों, तो ये मैं आपको बना देता हूं यहां पे, यहां देखिए ये जो एक हाइड्रोजन है, ये जो एक हाइड्रोजन है वो इस वाले ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, तो C6H5 COH H और C, ठीक है, और ये ऑक्सीजन पे माइनस, इस वाले पे आ गया साइनाइड, ठीक है, और C6H5, क्लियर है, है ना, क्लियर है ये। अब देखो आप यहां पे ध्यान से देखिए, क्या देखना है, देखो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है लेकिन कब तक रहेगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन को अगर इससे बॉन्ड बनाना है, किससे, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाना है, तो किसको बाहर जाना पड़ेगा, साइनाइड वाले ग्रुप को बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है, साइनाइड वाले ग्रुप को बाहर जाना पड़ेगा, ये ही जा सकता है C6H5COH H, ठीक है, C साइनाइड ग्रुप बाहर निकल गया, तो कार्बन के साथ क्या आ गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और C6H5, इसको ही हम क्या बोलते हैं, बेन जॉइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, बेन जॉइन बोलते हैं, ठीक है। और जो ये पूरी रिएक्शन हमने करवाई है इसको हम क्या बोलते हैं, बेन जॉइन कंडेंसेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेन जॉइन कंडेंसेशन बोलते हैं, क्लियर है। देखो ये वाला प्रोडक्ट ये ही है, ये मत सोचना अलग है, ठीक है, वो चाहे पहले लिख दो चाहे बाद में लिख दो, बात एक ही है, ठीक है, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल एक जैसे हैं। तो यहां पे हमने सिंपल सा काम क्या किया, दो बेंजाल्डिहाइड ले लिए, उनकी अभिक्रिया किससे करवा दी, साइनाइड से करवा दी, और उनको हीट दे दी, अल्कोहलिक विलयन में डाल दिया और बेंजोइन बन गया, ठीक है। ये आप एक बार फिर से देखिए, ये वाली जो मैकेनिज्म है वो आपको दिखाता हूं। पहले मैंने एक मॉलिक्यूल ले लिया C6H5 C डबल बॉन्ड OH, फिर इसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, साइनाइड से करवा दी, CN माइनस से करवा दी, CN माइनस क्या है, कहां जाएगा, प्लस वाले पे जाएगा, तो यहां जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो टूट जाएगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहां पे क्या है, रेजोनेंस हो सकता है, जिसके कारण हाइड्रोजन हटकर कहां जुड़ सकता है, ऑक्सीजन पे जुड़ जाएगा, और कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, क्लियर है। अब देखो यहां पे मैंने दो मॉलिक्यूल की बात की थी, तो एक मॉलिक्यूल और ले लिया मैंने बेंजाल्डिहाइड का, और जो ये बना था इसकी अभिक्रिया मैंने इससे करवाई, ठीक है। ये जो मैंने दूसरा वाला बेंजाल्डिहाइड लिया है, इनमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो मैंने तोड़ दिया, जिससे इलेक्ट्रॉन कहां गए, ऑक्सीजन पे आ गए, क्लियर है। अब मैंने क्या किया, इस वाले कार्बन को इससे जोड़ दिया, क्योंकि यहां प्लस चार्ज आ गया था, ठीक है, ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट गया था, इसलिए ऑक्सीजन माइनस हो गया, OH CN, ये ऐसा कैसा आ गया C6H5। उसके बाद यहां हुआ क्या, यहां पे कहानी में ट्विस्ट आया, ट्विस्ट क्या आया कि एक कार्बन पे दो ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो दो ग्रुप हटाने के लिए ये वाला जो हाइड्रोजन है वो हट जाता है और दूसरे के ऑक्सीजन के साथ यहां पे जुड़ जाता है, ठीक है, दूसरे के साथ जुड़ जाता है। इसके बाद यहां क्या होता है, कार्बन से जो ऑक्सीजन जुड़ा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, फिर यहां साइनाइड को बाहर जाना पड़ता है, साइनाइड को क्या करना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, और जब साइनाइड बाहर जाएगा तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, और कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर आपस में क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या तैयार हो जाएगा, बेंजोइन तैयार हो जाएगा, और इस पूरी प्रक्रिया को, पूरी रिएक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, बेंजोइन कंडेंसेशन बोल रहे हैं,
ठीक है, क्लियर है। तो ये पूरी की पूरी रिएक्शन हमारे पास आ गई, ये एग्जाम में भी कई बार पूछी जाती है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी की रिएक्शन हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।